हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में हम किए थे ट्रिग्नोमेट्री एंगल अर्थात त्रिकोणमिति, कोण के मान निकालना। दूसरी क्लास में हम किए थे ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट शीट से 54 फार्मूला कैसे आपको याद रखना है उसका ट्रिक किए थे। ये दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमिकाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास में हम देखते हैं क्या कुछ स्पेशल होने वाला है और क्या कुछ स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। दोस्तों, जब भी त्रिकोणमिति की बात होती है, त्रिकोणमिति अर्थात तीन भुजाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये क्या है 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में आप जानते हैं कि ये जो होता है ये इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेनस बोला जाता है। ये जो है मान लीजिए एंगल ये थीटा है, थीटा के लिए बात हो रही है। यदि एंगल थीटा है तो ये क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और ये आधार बोला जाता है, आधार मतलब बेस। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं, आंख बंद करके इसको आधार मान लेते हैं। दोस्तों, हर केस में ये आधार नहीं होगा, वो थीटा पे डिपेंड है। थीटा हमेशा कर्ण और आधार के बीच मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच ही बनता है जो कोण बनता है, ठीक है। जो कोण थीटा बनता है वो कर्ण और आधार के बीच ही बनता है। तो यदि कोण यहाँ है, एंगल यहाँ है, तब तो ये बेस होगा। लेकिन एंगल यहाँ है दोस्तों, यदि एंगल यहाँ है तो ये हाइपोटेनस और ये बेस, बेस ये हो जाएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आप एंगल को जरूर देखेंगे। तो एंगल यदि यहाँ है तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उसका मान जो है, वैल्यू जो है हाइपोटेनस मतलब कर्ण लंब आधार के टर्म में क्या मिलेगा। अब ये कैसे बताएंगे दोस्तों, कैसे याद रखेंगे। दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है लाल बटे कका। मैजिक मैथ चैनल में आपको सिर्फ ट्रिक ही बताया जाता है, रटने रटाने का काम यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता। लाल बटे कका से आप तीनों का मान बता सकते हैं। तीन लेटर इसमें छिपा हुआ है, पहला है ल, सेकेंड है आ और तीसरा है ल। तीन लेटर इसमें भी छिपा हुआ है, क सेकेंड भी क है और तीसरा है आ। तो दोस्तों, जो ल है वही लंब है, ल बटे क, ल बटे क मतलब लंब बटे कर्ण, यही तो होता है साइन का मान। आधार बटे कर्ण, यही तो होता है कॉस थीटा का मान, आधार बटे कर्ण। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या है उसका भी एक ट्रिक लेकर आए हैं। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यह है टेन थीटा का मान। यदि साइन कॉस टेन इन तीनों का मान याद है तो बाकी जो त्रिकोणमिति अनुपात तीन और बचता है उसका मान भी आसानी से आप बता सकते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। दोस्तों, लाल बटे कका से इन तीनों का मान मिल जाता है। यदि इसका विपरीत करेंगे, कका बटे लाल, कका बटे लाल करेंगे तो बाकी तीन जो रेशियो है उसका मान मिल जाएगा। या इसको अपोजिट कर देंगे, कर्ण बटे लंब करेंगे, कर्ण बटे लंब करेंगे तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक उसका मान मिल जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण, कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है तो इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब। तो इस तरीके से जो छह त्रिकोणमिति रेशियो है उसका मान आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं सिर्फ एक फार्मूला लाल बटे कका से, ठीक है दोस्तों। और ये ऐसा फार्मूला है लाल बटे कका, एक बार पढ़ने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, वो लोग तो सोच रहे होंगे ये लंब कर्ण आधार ये सब क्या है, अपने को कुछ नहीं आता। ठीक है दोस्तों, आपके लिए भी कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। मैजिक मैथ चैनल में आपको ट्रिक ही बताया जाएगा, रटने रटाने का कुछ भी काम नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो उसके लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित
P मतलब परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये पी बटे एस से साइन का मान मिलेगा, साइन थीटा पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो पी क्या है ए बी है और एच क्या है ए सी। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या मिलेगा, बी अपॉन एच, बी मतलब बेस, बी सी एच मतलब ए सी। और तीसरा टेन थीटा पी अपॉन बी, पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी और बी मतलब बेस बी सी। तो इस तरीके से यदि इसका हम उल्टा करेंगे तो बाकी जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक से कॉट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं जो हम स्टार्टिंग में आपको किए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। मान लीजिए थीटा यहाँ नहीं है, थीटा यहाँ पे दिया गया है, थीटा यदि यहाँ दिया गया है दोस्तों तो ये आधार नहीं होगा, ये लंब नहीं होगा। हमेशा आपको याद रखना है थीटा हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनता है, तो ये आधार हो जाएगा इस केस में, आधार मतलब ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कब, यदि थीटा यहाँ बना है, या आप दूसरे वर्डों में इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, दूसरे वर्ड में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा यहाँ था तो परपेंडिकुलर यहाँ है, थीटा जब यहाँ हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब क्या हो जाएगा, पहले लंब ये था अब लंब ये हो गया बी सी हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया ना। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, कर्ण तो वही रहेगा। इस तरीके से बाकी जो त्रिकोणमिति और अनुपात है उसका भी मान निकाल सकते हैं, बस हमेशा ध्यान क्या रखना है थीटा पे ना, थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होता रहेगा। ये लंब भी हो सकते हैं, आधार भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं, वो इस पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और फार्मूला। दोस्तों अब देखेंगे आइडेंटिटीज, उससे पहले कुछ और फार्मूला। आप जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/ कॉसेक थीटा। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रेसिप्रोकल आइडेंटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। इसी तरीके से और होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/ सेक थीटा। यह हम बोल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई सेक थीटा के साथ करेंगे तो उसका भी रिजल्ट 1 मिलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या निकल के आता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/ कॉट थीटा। दोस्तों आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/ कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/ साइन थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल या इसी को व्युत्क्रम या उल्टा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा के साथ, तब भी रिजल्ट 1 मिलेगा। तो ये तीन और एक्स्ट्रा फार्मूला अपने को मिल गया रेसिप्रोकल से। ठीक है, चलिए आगे का फार्मूला देख लेते हैं। दोस्तों हर फार्मूला आपको बारीकी से बताया जाएगा, ट्रिक के साथ बताया जाएगा। अब एक फार्मूला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमेशा आपको याद रहेगा, जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आपको याद ही रहेगा। इसके अलावा दो और
आइडेंटिटीज होते हैं, दो और फार्मूला होता है, वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा गलती कर जाते हैं ना, उसको कैसे याद रखना है ये बताएंगे। सबसे पहले तो इसका हम डेरिवेशन कैसे ये प्रूव कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। वैसे प्रूव करने का आपका काम नहीं है, ये उसको सिर्फ याद रखना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो उसका स्क्वायर हो गया। या लंब, हम इंग्लिश में जैसे लिखेंगे, लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर हो गया। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। तो इसको लेके चलेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये होगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो ये तो एच स्क्वायर मिलेगा, और ये एड हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? यदि हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट और फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब जो कर्ण होता है वो बाकी दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? एच स्क्वायर बन गया, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वन। दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आगे हम क्लास में करेंगे, आने वाले क्लास में इसको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वन हो गया। वैसे यहाँ अपने को सिर्फ फार्मूला पता करना था, चलिए, और बाकी तो फार्मूला क्या है जिस पे ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। सेकेंड फार्मूला है, अब इसी को हम इसी से निकालेंगे बाकी दो फार्मूला ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से वन बाय वन डिवाइड करेंगे। पहले हम कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन मिलेगा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यह तो आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन कॉस क्या होता है? ये सेक होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे दूसरा फार्मूला निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेंगे, या किसी से भी पहले डिवाइड करो, दोनों आइडेंटिटीज तो मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे वन मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम डिवाइड किए, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, बाकी दो आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया वन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्ड फार्मूला निकल के आ गया। फार्मूला तीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक त्रिकोणमिति रहेगा तब तक ये फार्मूला रहेगा, तो आप ये मान के चलिए कि इसको माइंड में आपको बैठाना ही है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही याद रखना है, एक याद है, वैसे तो मैं बोलता हूँ तीनों याद होना चाहिए, फिर भी यदि याद नहीं है तो इस तरीके से आप सिर्फ पाँच सेकेंड में बता सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारा फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें, साथ में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।